आज हो गया एक बहुत बड़ा पंगा कि बर्फी सेट नहीं हुई, लेकिन जो पंगे को सुधारे वही है असली शेफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज बन रही है नारियल की बर्फी। बर्फी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट, शुगर, पिंक फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है, आधा कप दूध, और हमें चाहिए खोया। मैंने ये अमूल ब्रांड का लिया है, आप कोई भी खोया ले सकते हैं। और बर्फी को सेट करने के लिए हम लेंगे एक थाली या बर्फी ट्रे, उस पर लगाएंगे बटर पेपर और उसके ऊपर लगा देंगे देसी घी। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे आधा कप दूध, फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। इसमें डालेंगे हम खोया, इसको हम वेट में देखेंगे तो ये 200 ग्राम है, और इसे हम कप से नापेंगे तो ये 2 कप खोया है। आधा कप दूध और 2 कप खोया लेना है हमें, और इसे स्लो फ्लेम पर चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये खोया जल जाएगा। और फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखनी है। इस तरीके से हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये खोया अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे अब चीनी। चीनी लेंगे हम आधा कप। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर से हम इसे स्लो फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है और खोया भी थोड़ा पतला हो गया है पहले से। इसमें डालेंगे हम पिंक फूड कलर। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। 7 से 8 ड्रॉप डालेंगे और अच्छे से हम कलर को मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 3 कप डेसिकेटेड कोकोनट, और वेट में ये है 200 ग्राम। इस स्टेज पर हमें इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, लगातार चलाते रहना है, 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि ये खोया और ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब जो हमने ट्रे रेडी की थी उसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने पिस्ता डाला है, आप बादाम, काजू, कुछ भी डाल सकते हैं। और जो हमने मिक्सचर रेडी किया है बर्फी का, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसे सेट होने के लिए रख देंगे। मैंने हार्ट शेप की भी बर्फी बनाई है। मेरे पास एक हार्ट शेप का चॉकलेट मोल्ड था, मैंने उसके अंदर ये मिक्सचर डाल दिया। इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे और फिर इसे 1 घंटे बाद हम निकालेंगे तो ये हार्ट शेप की बर्फी भी हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हार्ट शेप की बर्फी कितनी क्यूट लग रही है ना। ये देखिए वैलेंटाइन डे पे आप इस तरीके की बर्फी भी रेडी कर सकते हैं। हमने इसमें कोई इलायची पाउडर नहीं डाला क्योंकि कोकोनट की अपनी ही खुशबू बहुत प्यारी होती है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। मेरे चैनल पर मिलेंगी आपको हर तरह की वीडियोज़ और शॉर्ट्स। अब देखते हैं हमारी बर्फी सेट हो गई है क्या। हाँ जी, ये सेट हो गई है। पहले मैंने ये गलती की थी कि मैंने इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए सेट किया था। उतनी देर में बर्फी सेट नहीं होती, हमें पूरे 2 घंटे के लिए बर्फी को सेट होने के लिए रखना चाहिए। ये देखिए हमारी बर्फी अब अच्छे से सेट हो गई है और बटर पेपर भी अच्छे से अलग हो गया है बिल्कुल। एक शार्प नाइफ से हम इसे कट कर लेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। और हमेशा जब भी इसे सेट करें 2 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने दें। ये देखिए पीसेस भी अच्छे से कट गए हैं। नारियल की बर्फी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में भी एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं। अब आप भी जब बर्फी को सेट करें तो इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए ज़रूर सेट करने के लिए रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।